दिल्ली के सड़कों पर बड़ी एंटी स्मोक गन से पानी के छिड़काव की शुरुआत की गई है। अधिक प्रदूषण वाले चौक चौराहों और सड़कों पर 20 बड़ी और घूमने वाली एंटी स्मोक गन लगाई जाएंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ITO के पास लगाई गई एंटी स्मोक गन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य में पिछले सप्ताह 1000 जगहों पर पराली जलाई जा रही थी, जबकि दिवाली से 3500 से अधिक जगह पर पराली जलाई जा रही है। दिल्ली की बड़ी आबादी ने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को ITO के पास लगाई गई एक एंटी स्मोक गन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसका अक्टूबर के महीने में काफी सकारात्मक परिणाम दिखा। दिल्ली में पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण अक्टूबर के महीने में रहा, लेकिन दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, तेजी के साथ पराली जलने की घटना बढ़ी है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही थी। वहीं कल से 3500 से अधिक जगह पर पराली जलने का आंकड़ा NASA के चित्र से सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन BJP के लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलवाए हैं, जिसके कारण AQI का स्तर बढ़ा है। इसी वजह से सरकार लोगों और विपक्ष से अपील कर रहे थे कि पटाखे ना जलाएं। राजनीतिक फायदे के लिए और जबरन सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को ना उसकाएं। दिल्ली की बड़ी आबादी ने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलवाए, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस तरफ से पिछले जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन वो तो दिल्ली के लोगों का शुक्रगुजार हम हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए और उसके वजह से आज हमें थोड़ी राहत है। पराली की संख्या बढ़ी है, जो मैंने अभी आज सुबह सुबह सारे आंकड़े निकाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जो आज जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधार होगी। सरकार के स्तर पे हम और अपने प्रयास को तेज करेंगे, जिससे दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके। और आज से ये स्मॉग गन के माध्यम से दिल्ली में जगह जगह पानी के छिड़काव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये जो कारक हैं उनको सरकार और दिल्ली के लोग मिलकर कम कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे 1000 जगहों पर पराली जल रही थी 31 अक्टूबर को, आज अगर 3500 जगहों पर जल रही है तो उसका इम्पैक्ट होना है। और हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये और संख्या बढ़ेगी। जो अनुमान आ रहे हैं एजेंसियों के, वो ये दिखा रहे हैं कि जो बारिश की वजह से पराली जो जलना बंद हुआ था, अब वो तेजी के साथ शुरू हुआ। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है हम उसको कम करें। अगर कोई ये लॉजिक दे रहा है, हम तो पटाखे इसलिए फोड़ रहे थे कि बेस पोल्यूशन कम नहीं हो रहा था, बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो।